वाकई ये दुनिया बड़ी उटपटांग है। ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि सचमुच हैरानी होती है। अब कारों की बात लें, आप कभी कार खरीदने गए होंगे, टेस्ट ड्राइव करके देखा होगा, और अमूमन होता भी यही है कि कार अगर लेनी है या उसकी किसी भी कार की किसी को टेस्ट ड्राइव करनी है तो कोई ना कोई इंसान करता है। आपने कभी ये सुना कि कार की टेस्ट ड्राइविंग बंदरों ने की? नहीं ना, बिल्कुल हुआ हुआ ऐसा हुआ। इंग्लैंड के नॉसले सफारी पार्क में ऐसा हुआ। दरअसल इस पार्क में बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है और इस वजह से इंग्लैंड के इस नॉसले सफारी पार्क के बाहर एक बड़ा सा चेतावनी वाला बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि यहाँ बंदर बहुत ज्यादा हैं और ये बहुत शरारती बंदर हैं, और अगर आप अपनी कार को लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो फिर कार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बस हुआ यूं कि एक कोरियाई कार कंपनी को ये चेतावनी अपनी नई कार के लिए टेस्ट लगी। उसको अपनी नई कार की मजबूती चेक करनी थी तो उसने कहा क्यों ना ये काम बंदरों से करवा लिया जाए। इस कोरियन कंपनी ने अपनी ब्रांड न्यू कार को लाके इस पार्क के अंदर छोड़ दिया और देखते ही देखते बताया गया है कि 40 बंदरों ने उस कार पे धावा बोल दिया। बकायदा उसका दरवाजा भी खोल लिया, उसका हॉर्न भी बजाया, और फिर पता नहीं, ये तो कंपनी ने बताया नहीं कि बाद में उस कार का हाल क्या हुआ, लेकिन उसकी इस नई ड्यूरेबिलिटी फैमिली कार का खुलिया बिगड़ जरूर गया। तो होता है ऐसा भी, दुनिया में होता है, ऊट पटांग दुनिया है। ए दुनिया ऊट पटांगा।